राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। बोलिए दुर्गा भवानी की जय, बोलिए माता रानी की जय, अपने अपने कुल की देवी की जय। आइए अब हम नवरात्रि में देवी भागवत में से कुछ पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन बात है, एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा जंबु नद के तट पर विराजने वाले प्रधान देवता भगवती जगदम्बा के पास गए। वहां मुनि को भगवती के साक्षात दर्शन हुए। इसके बाद वे माया बीज नामक मंत्र का जाप करने लगे। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्प माला प्रसाद रूप में भेंट कर दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते रहते थे। दुर्वासा मुनि ने उस माला को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से चले गए और आकाश मार्ग से होते हुए जहां सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहां पहुंचे। उस समय दक्ष ने दुर्वासा मुनि से पूछा कि हे प्रभु, यह दिव्य माला किसकी है? जगत के मनुष्यों के लिए यह परम दुर्लभ माला आपने कैसे प्राप्त करी? दक्ष प्रजापति का वचन सुनकर दुर्वासा मुनि की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रेम से उनका हृदय विवल हो गया। उन्होंने उत्तर दिया कि भगवती जगदम्बा का यह अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना करी कि हे मुनिवर, यह माला आप मुझे दे दीजिए। त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवती जगदम्बा के उपासक को न दी जा सके। ऐसा विचार करके दुर्वासा मुनि ने वह पुष्पों की माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को स्वीकार कर लिया और अपने अंतःपुर में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर शैया थी उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया। उसी शैया पर रात्रि के समय उन्होंने अपनी स्त्री के साथ समागम किया। इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। भगवान शंकर की कोप अग्नि ने त्रिलोकी में प्रलय मचा दिया। जब वीरभद्र प्रकट हो भद्रकाली को साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तब ब्रह्म आदि देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। दक्ष को मार दिया गया था और उनका यज्ञ सब प्रकार से नष्ट हो गया था। तब करुणा के सागर भगवान महादेव ने देवताओं को अभय वरदान दिया। साथ ही बकरे का सिर जोड़कर दक्ष के जीवित होने की व्यवस्था भी कर दी। उसके बाद वे महात्मा महेश्वर अत्यंत उदास होकर यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने देखा सती का चिन्मय शरीर अग्नि में जल रहा था। हाँ सती, हाँ सती, इस शब्द को बार बार दोहराते हुए शिव ने उस शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और पागलों की भांति वे इधर उधर भटकने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं का मन अत्यंत ही चिंता से व्याप्त हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने तुरंत धनुष उठा लिया और जिस जिस स्थान पर भगवती सती के अंग गिरे थे वहां अन्वेषण करके उन अंगों को काट डाला। तदनंतर जहां कहीं भी शरीर के टुकड़े थे वहीं शंकर की अनेक मूर्तियां प्रकट हो गई। शिव ने देवताओं से कहा कि जो इन स्थानों पर उत्तम भक्ति के साथ भगवती शिवा की उपासना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि जहां सती के अंग गिरे हैं वहां जगदम्बा निरंतर वास करेगी। इन स्थानों में रहकर जो मनुष्य पुरुषचरण करेंगे उनके मंत्र सिद्ध होने में भी कोई संदेह नहीं है। ये स्थान माया बीज मंत्र जप के लिए विशेष उपयोगी है।
इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने सती के विरह से अधीर हो उन उन स्थानों में जप ध्यान समाधि में संलग्न होकर अपना समय व्यतीत किया। वे सिद्ध पीठ स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनके क्या नाम हैं, उन स्थानों पर विराजने वाली देवियों के नाम क्या हैं, आइए इसे हम विस्तार से सुनते हैं। उन देवी पीठों का परिचय इस प्रकार है, जिसका श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वाले के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को अब हम ध्यान से सुनते हैं। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उन पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य में विराजमान देवी लिंगधारिणी नाम से प्रसिद्ध है। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमाधन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी कहते हैं। गोमंत पर गोमती, मंद्राचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है। चैत्र रथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी, मलियाचल पर रंभा कहा जाता है। एकाम्रपीठ में वे कीर्तिमती कहलाती है। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरुहूता नाम से जानी जाती है। केदारपीठ में सन्मार्ग दायिनी, हिमवान पीठ में मंदा, गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका, ये नाम देवी के हुए। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्वक पीठ में बिल्व पत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। वराहा पीठ में जया, कमलिया पीठ में कमला, रुद्र कोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में काली कहलाती है। इन्हें शालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललिताम्बिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में महोलपला, विशाखा में अमोघाशी, पुंडव वर्धन पीठ में पांडला, उपाश में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुलेश में विपुला, मलियाचल पर भगवती कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्वर चंद्र पीठ चंद्रिका, रामतीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटी तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तटपीठ में नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवरशेर पीठ में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वेदनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभिया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव पीठ में मांडवी, माहेश्वरी पुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। चगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभा क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावरा नाम से प्रसिद्ध है। महालया में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, कृत शोच तीर्थ में सिंगिका, कार्तिक क्षेत्र में अति शांकरी, वर्तक तीर्थ में उत्पल्ला, सुभद्रा एमशोणा के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरत आश्रम में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर क्षेत्र में मेघा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, काया वरोहण तीर्थ में माता, शंखो उद्धार तीर्थ में धरा, पिंडारकर तीर्थ में घृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अचोध नामक क्षेत्र में शिव धारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, वद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरुक्षेत्र में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकुट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वेश्वर अणाल्य क्षेत्र में निधि, वेद वदन तीर्थ में गायत्री,
भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरिंधति, रामा प्रभति, अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहा गया। ये 108 सिद्धि पीठ है, वहां विराजने वाली उतनी ही देवियां कही गई है। देवी सती के अंगों से संबंधित इन पीठों का परिचय है। भूमंडल पर इनके अतिरिक्त जो प्रधान स्थान है प्रसंग वश वे भी हमने बताए हैं। जो पुरुष इन 108 सिद्धि पीठों का स्मरण या श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम को ही जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहां जाकर पितरों का तर्पण श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। पूजन के बाद भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। सुवासिनी स्त्रियां, कुंवारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिए। उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल हैं, उन्हें भी देवी का ही रूप कहा गया है, अतः उन सबकी भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। माया बीज मंत्र राज माना गया है। समस्त पीठों में विराजने वाली भगवती जगदम्बा की इन मंत्र से पूजा करनी चाहिए। अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि धन खर्च करने में कंजूसी न करके देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखे। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है, उनके पितर 1000 कल्प तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में वास करते हैं। सम वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के ही लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस अष्टो उत्तर शतनाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। जहाँ पर यह अष्टो उत्तर शतनाम सम लिखा गया हो अथवा रखी हुई पुस्तक पर अंकित हो, वहाँ महामारी आदि उपद्रवों का भय नहीं सताता, बल्कि वहाँ इस प्रकार सौभाग्य में वृद्धि होती है जैसे पर्वत पर समुद्र बढ़ता है। जो भगवती की भक्ति में तत्पर होकर इस अष्टो उत्तर शतनाम का जाप करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उसका जीवन निश्चय ही सफल मानना चाहिए। इस जाप के सामने देवता भी मस्तक झुकाते हैं, क्योंकि यह जाप भगवती का रूप माना गया है, जो देवताओं के लिए सर्वदा पूज्य है। श्रेष्ठ मानव उनकी पूजा करे। यह मुक्ति क्षेत्र भगवती के साक्षात विग्रह हैं। सिद्ध पीठ इनकी संज्ञा है। बुद्धिमान मनुष्य इनका सेवन करे। जब सती का शरीर योग अग्नि में भस्म हो गया, तब भगवान शिव इधर उधर भटकने लगे। मन को सब ओर से खींचकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी के जितने चराचर प्राणी थे प्राय सभी सौभाग्य से वंचित हो गए। दीपों और पर्वतों सहित सारा संसार शक्तिहीन हो गया। सबके हृदय में बहने वाला आनंदमय रस स्रोत बिल्कुल सूख गया। सबके मुख उदास हो गए। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। रोगों ने जैसे सबको घेर लिया हो। ग्रह और देवताओं की चाल में कोई समुचित नियम नहीं रहा। भगवती सती की अनुपस्थिति में देवता मानव प्राय उच्छकल से हो गए। उसी समय तारक नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर पैदा हुआ। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाभाग ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि भगवान शंकर का जो ओरस पुत्र होगा उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर तो वह महान असुर देवा अधिदेव ब्रह्मा जी द्वारा कल्पित मृत्यु का वरदान पाकर गरजने लगा। भगवान शंकर के ओरस पुत्र की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इससे व्याकुल होकर संपूर्ण देवता अपने अपने स्थान से भाग गए। शिव का कोई ओरस पुत्र नहीं था। इससे देवताओं के मन में चिंता आ गई। उन्होंने सोचा कि शंकर भगवान के तो पत्नी ही नहीं है, फिर पुत्र कैसे होगा। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य कैसे संपन्न होगा। इस प्रकार चिंता से अत्यंत आकुल होकर सभी देवता बैकुंठ पे गए। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी सारी कथा सुनाई। श्री हरि ने उनको उपाय बताया कि तुम सब इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो। भगवती शिवा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष है। मणिद्वीप में विराजने वाली वे भगवती भुवनेश्वरी सोई थोड़े हैं,
हम लोगों के दोष से ही जगदम्बा ने उपेक्षा कर रखी है, दूसरी और कोई बात नहीं। उनका यह कार्य हमें शिक्षा देने के लिए ही समझना चाहिए, जिस प्रकार एक माता बच्चे को डांटे या प्यार करे परंतु प्रत्येक परिस्थिति में उस पर करुणा ही रखती है, वैसे ही जगदम्बा को भी जानना चाहिए। गुण और दोष के अनुरूप उन्हें कार्य तो करना ही पड़ेगा। पुत्र से तो पद पद में अपराध होते हैं, एक माता के सिवा जगत में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन कर सके। अतः तुम सब लोग मन को शांत करके छल कपट से शून्य होकर उन भगवती जगदम्बा की शरण में जाओ। इस प्रकार देवताओं को उपदेश देने के बाद भगवान विष्णु देवताओं के साथ वैकुंठ से निकल पड़े। गिरिराज हिमालय पर पहुंचते ही उन्हें देर न लगी, सभी देवताओं ने देवी का भजन और आराधना शुरू कर दी। जिस अम्बा यज्ञ की विधि मालूम थी वे अम्बा यज्ञ करने लगे। समस्त देवताओं के द्वारा उसी समय तृतीय आदि व्रत का आयोजन किया गया। कुछ लोग समाधि लगा कर के बैठ गए, कुछ देवताओं ने नाम जाप आरंभ कर दिया, कुछ सुप्त पाठ करने लगे, कुछ ने मंत्र का जाप किया, कुछ कृच्छवती अंतर्याग के अभ्यासी उन्यास के पारायण बन गए, कुछ देवता सावधान होकर माया बीज मंत्र का प्रयोग करके भगवती परमेश्वरी की पूजा करने लगे। यूं करते कराते बहुत सा समय बीत गया। तदनंतर अपने आप श्रुति द्वारा जानने योग्य सर्वोत्कृष्ट ज्योति सबके सामने प्रकट हो गई। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में स्तुति करने लगे। उस ज्योति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था, वह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। करोड़ों बिजलियों के समान वह ज्योति चमक रही थी, उसका रंग लाल था, न बहुत ऊंची थी न नीची थी, मध्यम श्रेणी की थी, आधी और अंत से रहित। उस तेज में हाथ एवं अंगुलियां भी नहीं थी, स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक किसी भी रूप का स्पष्ट भान नहीं हो रहा था। उस तेज के प्रकट होते ही देवताओं की आंखें मुंद गई, फिर धैर्य धारण करके जो ही उधर देखने के लिए उद्यत हुए तुरंत उन्हें एक परम दिव्य मनोहर देवी दिखाई दी। उनके सभी अंग अत्यंत ही सुंदर थे, यौवन अभी अभी खिल रहा था, विशाल वक्ष स्थल था, बस्ती हुई किंकर्णी करधनी पायजेब से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य सुवर्ण के बाजूबंद कड़े कंठहार आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे, बहुमूल्य मणियों का चमचमाता हुआ हार उनके गले की शोभा दिखा रहा था। केतकी के नूतन पत्तों के समान उज्जवल कपोलों पर भ्रमर की तुलना करने वाले काले के शोभा पा रहे थे। उनका कटी प्रदेश बड़ा ही सुघड़ था, रोम वालियां शोभा बढ़ा रही थी, कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त पान के बीड़े उनके मुख से भरे थे, कमल जैसे मुख पर सुवर्ण में कुंडल की मधुर ध्वनि निकल रही थी, ललाट पर फैली हुई भौएं ऐसी जान पड़ती थी मानो अष्टमी का चंद्रमा हो, लाल कमल के समान उनके नेत्र थे, होठों से जैसे अमृत टपक रहा था, कुंद की खिली हुई कलियां जैसे सुंदर दांत थे, मोती की माला उनके गले की शोभा बढ़ा रहा था, मस्तक पर मुकुट था जिसमें चंद्रमा की रेखा अंकित थी, मलिका और मालती की माला केश की वेणी में गुंदे हुए थे, केसर जैसी बिंदी उनके ललाट पर शोभा दे रही थी, तीन नेत्र छटा बखेर रहा था, पाश अंकुश वर अभय मुद्रा से युक्त चार भुजाएं थी, लाल रंग का दिव्य वस्त्र अनुपम शोभा दे रहा था, शरीर की कांति ऐसी थी मानो अनार का पुष्प हो, श्रृंगार की सभी वस्तुओं से वे अलंकृत थी। समस्त देवता उन्हें नमस्कार कर रहे थे, वे साधारण स्त्री नहीं किंतु सबकी आशा पूर्ण करने वाली, सबको मोहित करने में समर्थ थी। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल रहा था, वे ऐसी शुद्ध करुणा की साकार मूर्ति जगदम्बा के देवताओं ने भलीभांति दर्शन किए, उन करुणामयी देवी को प्रणाम करने लगे, हर्ष के आंसुओं से उनके कंठ रुक गए, तह वे कुछ भी बोलने में असमर्थ रहे। सभी देवता स्तुति करने लगे और बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति अम्भद्रा को नमस्कार है, हम लोग नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की शरण में है, संसार को तारने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है, काल भी पाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति किए जाने वाली विष्णु शक्ति, स्कंद माता, सरस्वती, देव माता, अदिति,
दक्ष कन्या सती पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं, उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। विराट रूप धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप से विराजने वाली देवी को नमस्कार है। श्री ब्रह्मा की मूर्ति धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। जिन्हें जानने के कारण रस्सी में सर्प की भांति इस मिथ्या जगत का भान होता है और जिनके जानते ही वह भ्रांत बुद्धि नष्ट हो जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। तब देवी ने कहा कि आप सब देवता किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? मैं भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरे रहते आप भक्ति परायण देवताओं को किस बात की चिंता है? मैं अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर कर देती हूँ और उनका उद्धार कर देती हूँ। इसने से विवल होकर भगवती जगदम्बा ऐसा बोली। उनकी वाणी सुनकर देवताओं का मन हर्ष से भर गया, उनका दुख दूर हो गया। देवता बोले, हे परमेश्वरी, त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। तारक नाम वाला एक महान दैत्य हमें दिन रात कष्ट पहुंचा रहा है। शंकर के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होने की बात ब्रह्मा जी ने निश्चित की है। हे महेश्वरी, तुमसे कुछ छिपा नहीं है कि इस समय शिव विधुर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अल्प बुद्धि व्यक्ति तुम जैसी सर्व ज्ञान संपन्ना के समक्ष कह भी क्या सकते हैं, इसलिए हमारा आना हुआ है। देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारी अविचल भक्ति है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे कष्ट को दूर करें। तब देवी बोली, मेरी शक्ति जो गौरी नाम से विख्यात है हिमालय के घर प्रकट हुई है। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें जिससे भगवान शिव के साथ उनका विवाह हो जाए, वही आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। शर्त यह है कि उनके चरण कमल में आदर पूर्वक आपकी भक्ति होनी चाहिए। हिमालय का भी कर्तव्य है कि भक्ति के साथ मन से मेरी उपासना करे, फिर उसके घर गौरी का जन्म जो मुझे अत्यंत रुचिकर है अवश्य होगा। हिमालय भी परमेश्वरी देवी के वचन को सुन रहे थे, वे गदगद कंठ हो रहे थे, उनकी आंखें डबडबा गई। देवी के प्रति वे बोले, हे जगदम्बे, मुझ जड़ पर तुम्हारी कितनी कृपा है जो तुम मुझे एक महान से भी महान व्यक्ति बनाने में प्रयत्न में लगी हो। नहीं तो कहां मैं एक जड़ पर्वत और कहां तुम सत और चिन्मय भगवती। सैकड़ों जन्मों के अश्वमेध यज्ञ और ध्यान से संपन्न होकर भी मैं तुम्हारा पिता बन सकूं, यह बिल्कुल असंभव है। यह तो तुम्हारी ही कृपा है। अब जगत में मेरा सुयश फैल जाएगा। लोग कहेंगे, जगदम्बा हिमालय की पुत्री है। अहो, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है, वे ही भगवती जगदम्बा जिसके घर में कन्या रूप, उसकी तुलना जगत में कौन कर सकता है। मेरे पितर भी ऐसे पुण्य आत्मा है जिनके वंश में मुझ जैसा पुत्र पैदा हुआ। मैं नहीं जानता कि उनके रहने के लिए कौन सा श्रेष्ठ स्थान बना है। जिस प्रकार तुमने स्नेहपूर्ण कृपा के वश होकर मुझे गौरी के पिता होने का सुअवसर प्रदान किया, वैसे ही संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत उनके स्वरूप का मैं क्या वर्णन करूं। हिमालय की बात सुनकर भगवती जगदम्बा का मुख कमल के समान खिल गया। देवी बोली कि समस्त देवतागण मेरी बात ध्यान से सुने, इसके श्रवण मात्र से मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाता है। पर्वतराज हिमालय, पहले केवल मैं ही थी, दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी। उस समय मेरा रूप सत चित एम आनंद परब्रह्म था। उस रूप से कोई एक शक्ति स्वयं प्रकट हो गई, उसका माया नाम पड़ गया। वह माया न सती थी न असती। इस सती और असती के भेद से शून्य वह कोई एक विलक्षण ही वस्तु थी। अग्नि में जो प्रकाश, चंद्रमा में जो चंद्रिका, वह उस मेरी शक्ति का ही अंश है। उस शक्ति को निश्चिंत रूप से मेरी सहचरी समझना चाहिए। कुछ लोग उस शक्ति को तप कहते हैं, दूसरे लोग तम एवं जड़ भी कहते हैं। इसे ज्ञान माया प्रधान प्रकृति शक्ति अजा कहते हैं। वेदांत के सिद्धांत का चिंतन करने वाले कुछ लोग इसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेदों में उसका विविध नामों से वर्णन हुआ है। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया के साथ जो स्थित रहता है वही ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर को परब्रह्म की पूर्ण जानकारी रहती है। वह सर्वज्ञानी सबका उत्पादक तथा सब पर कृपा करने वाला है। तब हिमालय ने देवी से कहा कि हे देवी, आपने जिस रूप की कल्पना करी है
मैं उसी रूप में आपको देखना चाहता हूँ। हिमालय की बात सुनकर सभी देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। वे उनके वचन का आदर करते हुए बोले कि हम सब भी यही चाहते हैं। तब देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती शिवा ने अपना रूप सबके सामने प्रकट कर दिया। फिर तो महादेवी के विराट रूप का सभी देवताओं ने दर्शन करे। देखा, आकाश देवी का मस्तक था, चंद्रमा और सूर्य नेत्र थे, दिशाएं कान के रूप में परिणित थी, वेद वाणी और वायु प्राण थे, विश्व हृदय था, पृथ्वी जांग थी, पाताल नाभि थी, ज्योतिष चक्र छाती, महलोक ग्रीवा, जन लोक मुख था, सत्यलोक में नीचे रहने वाला तपोलोक ललाट था, इंद्रप्रभति बाहर थे, शब्द श्रोत थे। विद्वान पुरुषों का कथन है कि अश्वनी कुमार विराट रूपिणी भगवती की नासिका थी, गंध ग्राणेन्द्र इंद्रिया थी, अग्नि में मुख था, दिन और रात दोनों पलके थी, ब्रह्मा बोहों के स्थान में थे, जल तालु था, रस जीवा बना, यमराज ढाड़ बने, उन महेश्वरी के दांत स्नेह थे, माया हसी थी, सृष्टि कटाक्ष थी, लज्जा होठ थे, उस विराट महेश्वरी का निचला ओठ लोभ था, अधर्म मार्ग पीठ कहलाया, जो जगत में सृष्टा कहलाते हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप में लिंग में थे, समुद्र पेट था, पर्वत हड्डी थे, उन महेश्वरी की नाड़िया नदी थी, वृक्षों को रोम का रूप दिया गया, समुचित रूप से व्याप्त कुमार यौवन बुढ़ापा ये भगवती महेश्वरी के आयु थे, मेघ सिर के बाल थे, प्रातः सायं दोनों संध्याएं दो वस्त्र थे। उस समय भगवती जगदम्बा का मन चंद्रमा था, हरि विवेक शक्ति रुद्र अंतःकरण थे, अश्व जाति से संबंध रखने वाले जितने प्राणी हैं वे सभी महेश्वरी के कटिभाग में थे, अतल से लेकर पाताल तक जितने महान लोक हैं वे सब जगदम्बा के कमर से नीचे के भाग थे। भगवती जगदम्बा के ऐसे विराट रूप के उन श्रेष्ठ देवताओं ने दर्शन करे, उनके शरीर से हजारों प्रकार की ज्वालाएं निकल रही थी, जीव से बार बार होठ चाटते रहना उनका स्वाभाविक गुण था, कटकटाकर शब्द करना, आंखों द्वारा आग बरसाना मानो कभी बंद नहीं होता था, भांति भांति के आयुध उनके हाथों की शोभा बढ़ा रहे थे, उनका अत्यंत शूर वीर वेश था, हजार मस्तक हजार नेत्र हजार चरणों से वह विराट विग्रह संपन्न था, करोड़ों बिजलियां सूर्य के समान उनके ओर फैली हुई थी, अत्यंत भयंकर रूप था, अत्यंत क्रूर आकृति थी, देखते ही हृदय और नेत्र आतंकित हो जाते थे। उस रूप को देखकर संपूर्ण देवता हाहाकार मचाने लगे, उनके हृदय कांप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई, स्मरण भी न रहा कि यह भगवती जगदम्बा है। उस समय उन महाविभु के चारों ओर वेद विराजमान थे, उन्होंने मूर्छित देवताओं को चेतना प्रदान करी। जब देवता चेतना में आ गए तब उन्होंने धैर्य धारण करके श्रेष्ठ श्रुति को याद किया, आंसू से भरी हुई गदगद वाणी में स्तुति करने के लिए वे प्रस्तुत हो गए। उस समय उनके नेत्रों में जल भरा हुआ था, कंठ रुके हुए थे। देवता बोले, हे माता, हम तुम्हारी दीन संतान हैं, अपराध क्षमा करके हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारे रूप को देखकर डर गए हैं, हम जैसे मंद बुद्धि देवताओं द्वारा तुम्हारी कौन सी स्तुति संपन्न हो सकती है, तुम्हारा पराक्रम कितना और कैसा है इसे वह स्वयं भी नहीं जानता। तब वह पराक्रम हम आधुनिक देवताओं के जानने का विषय कैसे हो सकता है, भूमंडल प्रशासन करने वाली प्राण स्वरूप में सुशोभित समस्त वेदांतों से संसिद्ध हिंकार रूप को धारण करने वाले भगवती भुवनेश्वरी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवता माता की स्तुति करने लगे। जब भगवती जगदम्बा ने देखा कि सभी देवता उनके रूप को देख कर डर रहे हैं तो उन्होंने मनोहर रूप धारण कर लिया। उस समय देवी पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी, उनके सभी अंग कोमल थे, आंखों में करुणा भरी हुई थी, कमल जैसा मुख मुस्कान से शोभा पा रहा था। जब देवताओं ने देवी के उस कमनीय रूप को देखा तो उनका सारा भय शांत हो गया। इस प्रकार हमने देवी भागवत में से इस कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।